गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं अब फर्दर टॉपिक जहाँ से हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसमें चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारा जितना भी नीचे का नंबर होता है उसको एलसीएम लेना होता है, और जितना शॉर्ट हो सके यानी कि जितना भी वो डिवाइड हो सके, जितना सेम नंबर से डिवाइड हो सके या मल्टीप्लाई हो सके, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। तो जितना भी छोटा होगा उस हमारे लास्ट का जो पॉइंट होगा जो अब नहीं कटेगा, जो डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? -12/30। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इरेशनल नंबर या स्टैंडर्ड और सिंपल लॉवेस्ट फॉर्म वैन। एक कोई भी इरेशनल नंबर स्टैंडर्ड और सिंपल या फिर लॉवेस्ट बोल सकते हैं। कब होगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली वन एज इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उसका जो एचसीएफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, यानी खुद से डिवाइड होना चाहिए, फिर वन होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, इस पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी अगर इरेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म या लॉवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये दो फैक्टर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है? -12/30। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है? 12 है, 30 है, 6 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एचसीएफ अगर लेते हैं 12/30 का, क्या आता है? 6 आता है, यानी कि हमारा डिवाइड किससे करना होगा? 6 से करना होगा। ठीक है, हमारे ऊपर का यह 12 है, ये 30 है, तो दोनों का एचसीएफ जब लेते हैं तो क्या आता है? 6 आता है, तो 6 से डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? -2/5। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जाएगा? -2/5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम अपना आंसर कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/30। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड का, -14/49। ठीक है, एचसीएफ लेंगे 14 का और 49 का क्या आएगा? 7। ठीक है, एचसीएफ निकालना आई होप आप लोग जानते होंगे। तो एचसीएफ लेंगे 7 का, यानी कि हमें डिवाइड किसे करना है? 7 से करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आ जाएगा? -2/7। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपना आंसर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 4 का 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए थर्ड नंबर का, चलिए थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है किसको? 24/-64। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 24 और 64 का एलसीएम ना लेके एचसीएफ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग 24 64 का एचसीएफ लेंगे क्या आएगा? 8। तो 8 से यानी कि हमें डिवाइड किसे करना है? 8 से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? 3/-8, ये हमारा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग आंसर लिख देंगे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी हमारा एग्जाम खाली नहीं जाएगा अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा? हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाए फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखने का ट्राई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? -3/8। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? -3/8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -36/-63। यहाँ पे सेम नंबर है, -1 कट जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 36 और 63 को एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या जाएगा? 9। यानी डिवाइड किससे करना है हम लोग को? 9 से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आएगा हमारा? -4/-7। ठीक है, दोनों माइनस है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? पॉजिटिव रखने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 4/7। हमारा ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आंसर कहाँ से लिखेंगे आप लोग जानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हम लोग के साथ। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।